हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनैन और स्वागत है आपका क्लास टू प्लस यूट्यूब चैनल में। आज के करंट अफेयर्स के सेशन कल के अखबार से कि 8वें सेशन में हम लोग आ चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे 18 और 19 अप्रैल से क्या करे कल की अखबार से में क्या था। तो देखिए, पहला जो है 18 अप्रैल को हम लोग एवरी ईयर्स वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स इस नाम से भी जाना जाता है। ये एवरी ईयर 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि 18 अप्रैल को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर, तो आप ये बता सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स ये कौन से डे को ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये बता सकते हैं कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, जब 2020 का जो इस थीम है वर्ल्ड हेरिटेज डे का, वो क्या है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका मेन अब इस बार का थीम है। इसका देखिए वर्ल्ड ये जो है वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, इसका मेन काम क्या है? मेन काम है कि कल्चरल हेरिटेजेज को थ्रू एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय इंटरनेशनल एक्टिविटी के थ्रू क्या करना है? प्रमोट करना है। ओके, इसके जो काउंसिल है वो क्या, उन कौन सी है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ओके, देखिए इसकी इतिहास क्या रहा है कि इसका फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइज किया गया था 1982 में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, इंटरनेट द वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और इंटरनेशनल इसका काम क्या है कि देखिए, बट इट वाज ओनली गवर्न बाय अप्रूव्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन द फॉलोइंग ईयर 1938। इस साल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 1992 में इसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया था। इंडिया के इसमें जो हेरिटेज साइट्स हैं वो 38 हैं, यूनेस्को में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स ऑर्गेनाइज एस्टैब्लिश्ड ऑन द ईयर 1964 इंटरनेशनल चार्टर्स ऑन द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट साइट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था ये 1964 में हुआ था। अब आपसे यहाँ पे और भी कई सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का गठन कब हुआ, तो आप बता सकते हैं यूनेस्को का फॉर्मेशन 1946 में हुआ था। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? पेरिस में है। और यदि पूछा जाए हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, तो ये भी कहाँ है? पेरिस और फ्रांस में है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? अद्र ओजले हैं। और यदि पूछा जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, तो क्या है? तोशियुकी कोनो इसके डायरेक्टर प्रेसिडेंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज डिक्लेयर दैट द हेल्थ वर्कर्स हु आर डायरेक्टली एंगेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पेशेंट विल बी गिवन ₹10,000 पर मंथ एज ए ऑनरियम, ठीक है। जो कौन से ऐसे राज्य है जिसने ये डिक्लेयर किया है कि कोरोना पेशेंट्स की देखरेख के लिए जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पर मंथ ₹10,000 दिए जाएंगे उनके देख रेख के सम्मान में? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है दिल्ली और पांचवा केरल। इसमें से कौन से राज्य हैं, ठीक है, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है, अनाउंस किया है कि जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, ये इस काम में यानी कोरोना पेशेंट की देख रेख में लगे हुए हैं उनको, और वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उनको 10,000 पर मंथ उनको सम्मानित राशि दी जाएगी, उसको बोलते हैं सम्मानित राशि, ठीक है। टिल डेट यानी मैं आपको डेटा जो बता रहा हूँ 17 अप्रैल तक का डेटा बता रहा हूँ कि 1360 केसेस अभी तक 1360 केसेस हैं, क्योंकि 18 अप्रैल को पेपर में आया था। 1360 केसेस स्टेट में थे और 69 जिसमें से डेथ हो गए थे और 68 को रिकवर किया गया था, जिसमें से सबसे ज्यादा जो पेशेंट हैं कोरोना वायरस के वो इंदौर में 892 हैं और भोपाल में 197 हैं, ठीक है। और ये जो रिकवरी है ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अब ध्यान रखिएगा कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं, ठीक है, इनके लिए आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि 10,000 पर मंथ किस स्टेट ने डिक्लेयर किया था, ठीक है, सॉरी इनको देने के लिए जो कोरोना वायरस के लिए काम कर रहे हेल्थ वर्कर्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो अभी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हैं। रिसेंटली कोरोना वायरस के लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके पहले उनको शपथ दिलाया गया था। मध्य प्रदेश एक इकलौता राज्य है जहाँ पे कोई अभी हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। ओके,
आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कंपनीज हैज एक्वायर्ड 10 आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन। देखिए नॉर्टन ब्रिटेन की एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड कंपनी है। नॉर्टन उसके कंपनी के कुछ कुछ शेयर्स को एक्वायर किया है एक मोटरसाइकिल कंपनी ने। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, हीरो होंडा, तीसरा ऑप्शन है बजाज, चौथा है टीवीएस और पांचवा रॉयल एनफील्ड। देखिए तो करेक्ट आंसर है इसका टीवीएस। नॉर्टन मोटरसाइकिल जो है पॉपुलर ब्रांड है, ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड है और ये इसके फाउंडर्स दो जो हैं वो हैं जेम्स जेम्स लैंड लैंसडोन नॉर्टन। ठीक है, इसका ये है बिर्मिंघम में, ये 1898 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब ये टीवीएस मोटर ने इसके इसको ये एसेट साइन किए हैं और नॉर्टन मोटरसाइकिल होल्डिंग लिमिटेड है नॉर्टन मोटरसाइकिल यूके लिमिटेड। ठीक है, तो ये है और इसमें इन्होंने बोला है कि हम अपने 55 से 60 एम्प्लॉय को देंगे। ये क्यों देंगे? क्योंकि चैलेंजेज हैं मार्केट में, बहुत सारे चैलेंजेज हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए, उसके पोटेंशियल के ऊपर काम करने के लिए। ओके, अब जो टीवीएस जो है एक्साइटेड अबाउट एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग प्रोडक्ट एज नॉर्टन मोटरसाइकिल इंक्लूडिंग। अब नॉर्टन मोटरसाइकिल में कौन सा है? कमांडो, डोमिनेटर एंड V4 RR, ये सभी इसके ब्रांड हैं। और ये जो मोटर बाइक है ये काफ़ी कॉस्टली होती है, लगभग इसके मिनिमम जो बाइक का रेंज है वो 22 लाख से शुरू होता है, 20 से 22 लाख से शुरू होता है इंडिया में इसकी प्राइस है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू ऐप एसेस कोरोना फॉर डोर टू डोर सर्वे इन COVID-19 कंटेनमेंट जोन। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी एक हाल ही में लॉन्च ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है एसेस कोरोना। ठीक है, इसको ऐप को लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि डोर टू डोर ये जो सर्वे हो सके और इसको मतलब रियल टाइम बेसिस पे डेटा को कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 101वां डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया गया था। ठीक है, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? IMF ने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, द आइटम ऑन द एजेंडा इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या थे? ऑन वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स रिस्पॉन्स, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है अभी, वर्ल्ड बैंक का क्या रिस्पॉन्स है? ठीक है, एंड रिस्पॉन्स टू कोरोना वायरस पेंडेमिक इमरजेंसी एंड COVID-19 डेप्ट इनिशिएटिव, इंटरनेशनल कॉल फॉर एक्शन इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कंट्रीज, जिसका एक पार्ट इंडिया भी, भारत भी है। द वर्ल्ड बैंक है डिसाइडेड टू ग्रांट अ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 150 to 160 million US dollars टू कम्बैट COVID-19 फॉर द नेक्स्ट 15 months एंड ऑल्सो एक्सप्लोर अ सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर डेब्ट चैलेंजेज फॉर द मिडिल इनकम कंट्रीज। देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने ये डिसाइड किया कि 150 से 60 मिलियन US dollars वो फिनेंशियल हेल्प कर सकता है 15 महीने तक किसी भी कंट्री को। कौन से कंट्री? जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के पार्ट हैं उन कंट्री को 15 महीने तक हेल्प कर सकता है। ठीक है, फिनेंशियल हेल्प जिससे आप COVID-19 से बाहर निकल सकें। ठीक है, इस लड़ाई में योगदान देने के लिए। ठीक है, अब देखिए जब ये मीटिंग शुरू हुआ तो जो IMF के डायरेक्टर हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिया, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने मीटिंग में कुछ बातें कही, इन्होंने क्या कहा देख लीजिए। इन्होंने शुरुआत में कहा द सेवर इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन द लास्ट हाफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 इज इनएविटेबल एंड द पेंडेमिक इनकाउंटर्ड अ वीक पब्लिक हेल्थ सिस्टम। द पेंडेमिक पोज चैलेंजेज फॉर पॉलिसी मेकर इन मेनी इमरजेंसीज मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। बिफोर द कोरोना वायरस आउटब्रेक द वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज इन स्लो मूविंग रिकवरी। इन्होंने ये कहा कि देखिए जब 2020 का जैसे ही मतलब कोरोना का देखिए दिसंबर में आया, उसके पहले मतलब
एक तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था, तो अभी हम लोग स्लोली रिकवरी कर रहे थे। नाउ विल सफर अ सेवर रिसेशन इन 2020। उसके बाद कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आ गया और कोरोना वायरस से पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आईडीए के बारे में जान लेते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इट इज गवर्न बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ये आईडीए जो है, ये कौन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इसके द्वारा गवर्न किया जाता है। एम टू रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स, पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग लोन्स कॉल्ड क्रेडिट। ये क्या करता है, आईडीए क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 150 से 160 बिलियन यूएस डॉलर तक हम दे सकते हैं। द ग्रांट फॉर प्रोग्राम दैट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस इनइक्वलिटीज एंड इम्प्रूव पीपल लिविंग कंडीशन। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन सितंबर 24, 1960। देखिए 1960 में आईडीए का गठन किया गया। इसका मेन काम क्या है कि क्रेडिट कंट्रीज को क्रेडिट यानी लोन प्रोवाइड करना, और लोन किस लिए प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो अपने सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी मतलब समझ सकते हैं कास्टिज्म से लेकर हर तरह की जो इनइक्वालिटी है उससे बाहर आने के लिए, और पब्लिक जो इम्प्रूव पब्लिक लिविंग कंडीशन, यानी जैसे आप लोग अभी देखते होंगे कि हर कंट्री में कुछ ना कुछ कई जगह पे फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं, तो इन इसके लिविंग कंडीशन को भी सुधारने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे दिए चलाए जाते हैं और वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करती है। अब हम लोग बात करेंगे फेमस डेट्स एंड डे के बारे में जो अप्रैल में है। देखिए अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे अब मनाया जाता है। एवरी ईयर अप्रैल 17 को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है। इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो है इसमें क्या होता है कि ये किस तरह का डिजीज है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और अप्रैल 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये भी आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अप्रैल 22 को वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। आइए अगले पार्ट में आते हैं। ओके, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप classtubeplus@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।